परशुराम जी के चार सबसे शक्तिशाली शिष्य, जिनसे डरते थे देवता और जिन्हें देखकर भगवान श्री कृष्ण भी नतमस्तक हो जाते हैं। पहले नंबर पर मौजूद शिष्य तो खुद एक देवता का रूप है। रामायण और महाभारत ये दो गाथाएं जिसमें भगवान विष्णु के शक्तिशाली अवतार मौजूद हैं, क्रोध आने पर देवता भी घबरा जाते थे, जिनके आगे युद्ध में कई सेनाएं धरती में समा गई थी, जिन्होंने अपने पिता की मृत्यु का बदला 64 राजवंशियों के क्षत्रियों को मार कर लिया था और उनके क्रोध को शांत करना अत्यंत ही कठिन है। और कहते हैं कि उनके क्रोध को शांत करने के लिए खुद बजरंगबली ने कई महीनों तक उनसे युद्ध किया था। हम बात कर रहे हैं भगवान विष्णु के अवतार परशुराम जी की, जिनकी गाथाएं आज भी जोश जगा देती हैं, जो 8 चिरंजीवियों में से एक हैं और आज भी इस धरती पर मौजूद हैं। भगवान परशुराम जी बहुत ही क्रोधित स्वभाव के थे और अपने क्रोध को शांत करने के लिए उन्होंने महादेव का यज्ञ करने की ठानी और इन्होंने अपनी शक्तियों का सही उपयोग करने के लिए शिष्य बनाने की ठानी। फिर परशुराम जी ने 3 ऐसे शिष्य बनाए जिन्हें हराने के लिए भगवान श्री कृष्ण को उन्हें छल से मारना पड़ा था। परशुराम जी के ऐसे दिग्विजय शिष्य जो अत्यंत ही शक्तिशाली थे और अगर भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र में ना खड़े होते तो यह तीनों योद्धा बिना किसी सेना के केवल 5 दिनों में ही महाभारत का युद्ध खत्म कर देते। जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि माधव अगर इन महारथियों को छल से ना मारा जाता तो क्या होता, तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे और वीडियो बनाने में हमारा हौसला बढ़ाएं, ताकि हम ऐसे ही इतिहास की और नई नई रहस्यमय जानकारियां आप तक पहुंचा सके। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं परशुराम जी के 4 अत्यंत शक्तिशाली शिष्यों के बारे में। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर इन योद्धाओं की मृत्यु छल से ना होती तो इन्हें मार पाना असंभव था, क्योंकि इन तीनों योद्धाओं को पूरे अस्त्र शास्त्रों का ज्ञान था। यमराज का पास हो या इंद्र का वज्र अस्त्र या कोई भी अस्त्र उन्हें मार नहीं सकता था। वे परशुराम जी के महान शिष्य थे, लेकिन एक जो भविष्य में जन्म लेगा, जिसका इंतजार खुद चिरंजीवी परशुराम जी कर रहे हैं ताकि उनको शिक्षा और दीक्षा दी जा सके, यहाँ तक कि वह अन्य 6 चिरंजीवी भी उसी का इंतजार कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि वह कौन है 4 परशुराम जी के सबसे शक्तिशाली शिष्य। पहले नंबर पर है भीष्म पितामह देवव्रत, जो अपनी भीषण प्रतिज्ञा के लिए जाने जाते हैं, जिन्होंने जब भी युद्ध के लिए अस्त्र उठाए तो सामने वाले की रूह कांपने लगी। राजा शांतनु और माता गंगा के पुत्र भीष्म, जिन्होंने आजीवन हस्तिनापुर को एक संरक्षक के रूप में सहायता की, जिन्होंने न केवल कंस जैसे एक योद्धा को हराया बल्कि यह तो अपने गुरु परशुराम जी से भी कई महीनों तक युद्ध करते रहे, जिसका कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला। खुद परशुराम जी ने ही इनको अस्त्र और शस्त्रों का ज्ञान दिया था। जब भीष्म महाभारत का युद्ध लड़ रहे थे तो अकेले ही पांडवों के हजारों सैनिकों का वध करते थे। उनकी शक्ति के बारे में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि क्या तुम्हें याद है पार्थ, जब भीष्म ने सूर्य देव को ललकारा था। तब अर्जुन कहते हैं कि हे माधव, कोई कैसे सूर्य देव को ललकार सकता है, जिससे पूरा का पूरा संसार प्रकाशमय होता है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वह ऐसा कर सकते थे, क्योंकि सूर्य देव से भी अधिक भीष्म की शक्तियां थीं। सिर्फ यही नहीं बल्कि उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान भी प्राप्त था। और कहते हैं कि पांडवों को उन्होंने ही अपनी मृत्यु का रहस्य बताया था, जिसके चलते बहुत ही जल्दी पांडवों ने अपने बाणों से भीष्म पितामह को बाणों की सैया पर लिटा दिया था। और इस तरह से महाभारत खत्म होने के बाद सूर्य उत्तरायण हुआ और भीष्म पितामह संसार को छोड़कर चले गए। अब बात करते हैं भगवान परशुराम के दूसरे शिष्य की, जो बेहद ही शक्तिशाली थे। वह कोई और नहीं बल्कि पांडवों और कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य थे। कहते हैं कि गुरु द्रोणाचार्य के पास इतनी शक्ति थी कि वह अपना धनुष छोड़कर युद्ध करते फिर भी पांडवों की आधी सेना का विनाश कर सकते थे। वह भी सिर्फ अपने हाथों के बल पर। गुरु द्रोण को भी अस्त्र और शास्त्रों का ज्ञान था। उनमें इतना बल था कि वह अकेले ही कई राज्यों को जीतने की क्षमता रखते थे।
उन्हें भी परशुराम जी से कई असम्य अस्त्रों का ज्ञान मिला था। गुरु द्रोणाचार्य ही दोनों सेना की तरफ के दोनों लोगों को ज्ञान देने वाले थे। इनके पास हर अस्त्र को चलाने का ज्ञान था। इसमें नारायण अस्त्र, पशुपता अस्त्र और ब्रह्मास्त्र शामिल हैं। वैसे तो युद्ध में गुरु द्रोणाचार्य को सीधे तौर पर पराजित नहीं किया जा सकता था। तब श्री कृष्ण ने भीम से कहकर एक अश्वत्थामा नामक हाथी का वध करवाया था और हर तरफ यह खबर फैला दी कि अश्वत्थामा मारा गया। यह सुनकर द्रोणाचार्य ने हथियार डाल दिए। तब धृष्टद्युम्न ने, जो कि पंचाल नरेश द्रुपद के पुत्र थे, उन्होंने द्रोणाचार्य का सर काट दिया। द्रोणाचार्य को छल से ही मारा गया, अन्यथा इन्हें मारना असंभव था। अब बात करते हैं परशुराम जी के तीसरे महाशक्तिशाली और धनुधर शिष्य के बारे में। वह कोई और नहीं बल्कि सूर्य पुत्र कर्ण थे। कर्ण ने भले ही परशुराम जी से झूठ बोलकर शिक्षा ली थी, लेकिन उन्हें परशुराम जी का सबसे प्रिय शिष्य माना जाता है और वे पांडवों के पक्ष में होते तो भगवान श्री कृष्ण की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। कर्ण ही लाखों सेना के बराबर थे, जिन्होंने इंद्र को भी परास्त किया था, जो अपनी दानवीरता के कारण दानवीर कर्ण भी कहलाते हैं, जिससे समाज ने बालपन में ही घृणा की थी। तब दुर्योधन ने उनके अस्त्रों और उनके जीवन का सम्मान किया, इसीलिए कर्ण ने दुर्योधन का त्याग नहीं किया और मृत्यु को हंसते हंसते गले लगाया। कर्ण में ही नहीं बल्कि उनके बाण में भी इतनी शक्ति थी कि वह बजरंग बली के होते हुए भी अर्जुन के रथ को 3 कदम पीछे हटा देते थे। वह भी एक बार नहीं बल्कि कई बार। अर्जुन का रथ, जिस पर बजरंग बली विराजमान थे और जिसके सारथी स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे, और यही नहीं बल्कि जिसे मारने के लिए भीम को इतना समय लग रहा था और जिसे भीम ने श्री कृष्ण की सहायता से मारा था, वो जरासंध आसानी से कर्ण के हाथों मारा जाता। कर्ण ने कई बार जरासंध को परास्त किया था। कर्ण एक ऐसा योद्धा था जो किसी को भी बड़ी आसानी से परास्त कर सकता था, और उन्हें यह भी ज्ञात था कि जरासंध की मृत्यु कैसे होगी। पर कर्ण ने मित्रता के कारण जरासंध को जीवित छोड़ दिया था। कर्ण की तारीफ स्वयं श्री कृष्ण भगवान करते थे। वह जानते थे कि कर्ण बेहद ही शक्तिशाली है, उन्हें केवल छल की सहायता से ही मारा जा सकता है। कर्ण बचपन से ही सूर्य देव के आशीर्वाद से मिले कुंडल और कवच के साथ जन्मे थे। अगर युद्ध के समय कर्ण के पास कुंडल और कवच होता तो उन्हें हरा पाना शायद किसी के लिए भी बस की बात नहीं थी। लेकिन कहते हैं कि कर्ण की मृत्यु के पीछे एक श्राप था जो उन्हें उनके गुरु परशुराम जी ने दिया था। जब उन्हें पता चला कि कर्ण ने झूठ बोलकर शिक्षा प्राप्त की है, तब उन्हें विद्या भूलने का श्राप खुद परशुराम जी ने दिया था। सिर्फ यही नहीं, कर्ण ने परशुराम जी से कई सारे शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया था, जिसे उन्होंने समय समय पर प्रयोग भी किया था, लेकिन वह अंत में अधर्म की राह पर चल पड़े थे, जिसकी वजह से उनका भी छल पूर्वक वध हुआ। अब बात करते हैं परशुराम जी के आखिरी और अत्यंत शक्तिशाली शिष्य के बारे में, जो स्वयं भगवान विष्णु के 10वें अवतार होंगे। हम बात कर रहे हैं कल्कि अवतार की। श्रीमद् भागवत गीता में यह वर्णित है कि संभाल क्षेत्र में एक ब्राह्मण के घर में कल्कि अवतार का जन्म होगा, जिनके गुरु कोई और नहीं बल्कि भगवान परशुराम होंगे, जो 8 चिरंजीवियों में से एक हैं और आज भी इस धरती पर मौजूद हैं, जो भगवान कल्कि को शिक्षा और दीक्षा देंगे और उन्हीं से प्राप्त होंगे भगवान कल्कि को कई असम्य अस्त्र। और कल्कि अवतार के बारे में तो हम सब जानते ही हैं कि कलयुग के अंत में राक्षसों को मारने के लिए भगवान विष्णु धरती पर 10वां अवतार लेंगे, जो कि कल्कि अवतार होंगे और उनके गुरु परशुराम होंगे।